हम तो घास भी खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, और अगर 1000 साल भी हमें घास खानी पड़ी तो हम खाएंगे। लेकिन कमर चीमा साहब, मुझे बड़े अफसोस का कहना पड़ता है कि भुट्टो साहब ने कहा तो सही, आपने एटम बम बना तो लिया, लेकिन एटम बम बनाने के बाद तो घास खाने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी ना। एटम बम बनाने के बाद भी आज पाकिस्तान में घास खाने की नौबत आ रही है, तो क्या फायदा हुआ एटम बम बनाने से? मैं After weeks of anti-India rhetoric, Maldivian President Mohamed Moizu has shifted to a distinctly reconciliatory tone for New Delhi. कैदी और चाइना के जो है वो सपोर्ट करने लग पड़े, तो अब आप चाइना से कहते कि आपको अंडे भेज दें, चाइना आपको चावल भेज देता, चाइना आपको शुगर भेज देता, आपको इंडिया से जो है वो रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? चाइना कंट्री के तो पांव धो धो के पीने चाहिए, तो ये मालदीव के जो मोइजु साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये कोई अच्छी चीज नहीं। देन यू कैन सी दैट यू नो कहीं ना कहीं मालदीव्स की हालत थोड़ी सी ऑब्वियसली खराब होनी है ना। मैंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि भारत के साथ रिलेशनशिप्स खराब हो। मोदी नहीं गया अभी तक आईएमएफ के पास, वो क्यों जाएगा भाई? वहाँ पे इदारे जो है ना वो मुदाखला नहीं करते, वहाँ पे जमहूरियत है, आजाद सियासत करते हैं वो लोग। भारत की इकॉनमी हमसे पहले 5 गुना बड़ी थी, अब कोई 8 गुना बड़ी है। हम उसके स्पेंडिंग को मीट नहीं कर सकते, और हम मीट करेंगे आप इकोनॉमिकली कोलैप्स। मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये मालदीव्स एंड इन इंडिया। सो मालदीव्स वालों ने वो तो उस वक्त जो उन्होंने गलती की थी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लक्षद्वीप गए, आइलैंड्स में गए, तो एक नया तमाशा बन गया जनवरी 2024 में, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा ख़राब हुए, ज़्यादा एक अनईजी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो पैदा हुआ। और वो उस वक्त जो उनके जूनियर मिनिस्टर्स ने बड़ी बिलो द बेल्ट बात की, यू कॉन्ट टॉक अबाउट द फॉरेन मिनिस्टर्स और द प्राइम मिनिस्टर्स इन दिस लैंग्वेज। द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब इन ऑल प्रोटोकॉल्स लीगैलिटी, मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम हूएवर ही इज़ व्हाटएवर ही डज। आपको उनको एक तरीके से बुलाना होता है। आप उनको जैसे मर्जी नहीं मुंह उठा के बुला सकते कि जी हमारी भारत से लड़ाई है तो नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन है तो मैं उसको जैसे मर्जी बुला लो। नो, यू हैव टू गिव हिम द ड्यू रिस्पेक्ट। इस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, किसी का 10 लड़ाइयां उससे साथ हो, बट यू हैव टू गिव हिम अ ड्यू। कैदी और चाइना के जो है वो सपोर्ट करने लग पड़े, तो अब आप चाइना से कहते कि आपको अंडे भेज दें, चाइना आपको चावल भेज देता, चाइना आपको शुगर भेज देता, आपको इंडिया से जो है वो रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? चाइना भी तो एक बड़ा कंट्री है, बड़ी ताकत है, आपको भेज देता। लेकिन आप यही देखिए कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की जो बात की जाती है, वहां पर ऐसी कोई बात आती है तो फिर किसकी तरफ? इंडिया की तरफ ही देखा जाता है, इंडिया ने भेजा है। अच्छा, इसके ऊपर जो है मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मूसा जमीर, उन्होंने थैंक यू किया है, और उसके ऊपर उन्होंने कहा है आई सिंसियरली थैंक ईएम डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया है एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द उन्होंने जो रिन्यू की है द कोटा टू एनेबल मालदीव्स टू इंपोर्ट एसेंशियल कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2024-2025। दिस इज ट्रूली अ जेस्टर जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप को जो जाहिर करता है। इसका मतलब है लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप एक बार फिर स्टार्ट हो गई है। हैं जी आप? ना, मैंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि भारत के साथ रिलेशनशिप्स खराब हो। इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि साहब ये देखो, जब जो मुझे बात करना पड़ रहा है भारत से, ये इसलिए है क्योंकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट जो हमको कंडीशन छोड़ के गई थी वो उनका डेट है, तो मैं क्या करूं, मेरे को तो भारत से काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। तो चेंजेस ट्यून के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क यहीं पे लग जाता है। कहते हैं जी जो रीपेमेंट स्ट्रक्चर बनाया था, जो लोन बनाया था, मैं क्या करूंगा? मैं कोई प्रोजेक्ट रोकना नहीं चाहता जो भारत यहाँ पर डेवलपमेंट चीज कर रहा है, मैं उसको रोकना नहीं चाहता, बट मैं क्या करूं, मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूं। उसके बाद कहते हैं कि देखो ऐसा है, ऑब्वियसली अब जब मालदीव्स भारत की बात आती है तो ट्रूप्स की बात आ जाती है। मोदी नहीं गया अभी तक आईएमएफ के पास, वो क्यों जाएगा भाई? वहां पे इदारे जो है ना वो मुदाखला नहीं करते, वहां पे जमहूरियत है, आजाद सियासत करते हैं वो लोग, ठीक है।
इदारों को जरूरत नहीं है कि वो मुदाखलत करें। कभी आज तक माशाल्लाह देखी आपने वहाँ पे? कभी आपने इंडिया में माशाल्लाह जिंदगी में देखी? कभी सुनी आपने? ठीक है, हालात खराब होंगे तो माशाल्लाह लगेगा। मेरी मेरी 49 एज है मेरी, ठीक है, 49 की एज में मैंने 3 माशाल्लाह, 2 माशाल्लाह देख ली हैं पाकिस्तान में देखी। हाँ, तो पता नहीं पहले ये शुरू से है ही माशाल्लाह। पाकिस्तान तो बना बाबा कह दिया, अल्लाह ताला उनका भला करे, वो अपनी तरफ से तो उन्होंने मेहरबानी कर दी, मुल्क हमारे लिए आज़ाद हो गया। आज़ाद हम कहाँ से हैं भाई, शुरू से ही वज़ीर आज़म बना किस चीज़ का? कोई जमहूरी वज़ीर आज़म आया ही नहीं है पाकिस्तान में, कोई ऐसा मुझे वज़ीर आज़म दिखाया जिसने पूरे 5 साल हुकूमत की हो। हमें कोई गाइडेंस चाहिए हो ना, तो हम यूट्यूब पे जाते हैं, इंडियंस की वीडियो देखते हैं ताकि हम उसे देख के फॉलो करके अपना वो काम कम्प्लीट कर सकें। तो यही है कि वो उनकी लीडरशिप कि जब देखें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को आलू टमाटर दालें चीनी आटा भेजने में का शुक्रिया अदा करें, ये इसलिए क्रिएट किया, शुक्रिया अदा किया ना, क्योंकि आप तुर्की और चीन चले गए। अगर आप तुर्की और चीन ना जाते ये शुक्रिया अदा दालों के शुक्रिया नहीं सन चीनी के शुक्रिया अदा करने पड़ना। सो विदाउट गोइंग टू चाइना एंड देयर, आप जाके चाइनीज़ को ऑन बोर्ड लेते, चाइनीज़ को कहते भाई ना इन्वेस्ट करो, इंडिया को कहते भाई मुझे भी ज़रूरत है आए आप भी इन्वेस्ट करें, ठीक है, आपने ये सारा कुछ किया, लेकिन ठीक है जी। सो ये आप चाइनीज़ जो हैं वो बेल्ट एंड रोड में आ गए हैं उनके साथ, इंडिया मालदीव जो है वो चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड में आ गए, और मालदीव्स का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो एयरपोर्ट और कमर्शियल पोर्ट्स हैं वो कोई इतनी नहीं है, वो चाहते हैं कि इसको जनाब अप करें, और ये चीज़ें जो हैं वो देखना चाहते हैं इस चीज़। एक ऐसा कंट्री है कि जो समझता है कि देखें जी हम अपने जो है रीजन के कंट्रीज को साथ लेके चलेंगे तो सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि हमें भी फायदा होगा, हमारा भी, देखें ना इसी तरह होता है। वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है आज की दुनिया ये टीम वर्क है, और ये टीम वर्क के कभी ऐसा होता था कि इंडिविजुअल लेवल पे जो है काम होता था और लोग जो है खुद से कामयाब होते थे, लेकिन अब एक अरसा गुजर गया कि ये कहा जाता है कि ये जो अब इरा है इसमें टीम वर्क है, इसमें एक बंदा फर्द वाहिद सामने नहीं आके कामयाब हो सकता, उसको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो इंडिया है, इंडिया इसी तरीके से करता हुआ नजर आता है। अब मैं ये कहूंगी कि ये जो बात की गई कि डॉक्टर जयशंकर ने भी ये लिखा सागर पॉलिसीज, लेकिन इसके साथ नेबरहुड फर्स्ट, तो ये जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है वो मालदीव्स के साथ है लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो सवाल तो यह है कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं, एज ए नेबर पाकिस्तान फर्स्ट क्यों नहीं? यानी अगर ये सवाल उठाया जाए कि देखिए मालदीव्स को जो है वो फूड भेज दिया, वहां पर वीट राइस एग्स टोमेटोज और जो उनको चाहिए चीजें वो सब भेजी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की, और इतना का इसलिए नहीं हो पाता कि जो दहशतगर्दी का सवाल भारत पाकिस्तान के लिए उठाता है या जो उसको ये वाली शिकायत पाकिस्तान से है वो मालदीव से नहीं है, मालदीव से ये तो है ये जो झगड़ा हुआ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।